आनंद मिलन जी को बड़ा समय हो गया है, उनसे कहना है उनसे, और बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, बुला रही हूं उनको, और उनसे भी कहना है आनंद जी से। कहना है ये साबन आया बादल छाए, ये बुलबुल चहके फूल खिले, होने वाले सभी आए सावन में होती है बरसात, फिर बरसात के क्रम में वो बरसात से है परेशान, हम आप सब परेशान हैं, बरसात से हम आप सब परेशान हैं। वो अपने अंदाज में बुला रही है, हम के पास अपने अंदाज में जाएंगे, लेकिन क्रम से जाएंगे, अच्छी तरह से जाएंगे, चाय पिलाते हुए जाएंगे, बिल्कुल आप नहीं घबराएंगे। बिजली रानी जब जब मिलती है तब बिजली के तरह मिलती है, जैसे बिजली चमकती है बादल गड़गड़ाता है उसी समय, मालूम है इसलिए तो उसी समय
बिजली तड़कती है, बादल रहता है, तो सावन आए और बादल छाए। अब सावन भी आ रहा है और बादल भी छा रहे हैं। जब सावन आएगा बादल छाएंगे तो अब अपने कृपा से हम उनके पास जाएंगे। बहुत देर से खड़े हैं अंगना में बाबा द्वारे पे मां, अंगना में बाबा द्वारे पे मां। अगला में बाबा तोरे पे मान, और मैं कहते हम बोली तो कारी घर आवाज आ रही है। लेकिन सुनो, आज कोई नहीं है, खेत गए हमारे सम्मानी आदरणीय श्री महेंद्र सिंह घोष पूर्व प्रधान गरी कर गाय, श्री महेंद्र सिंह घोष पूर्व प्रधान गरी कर गाय की ओर से 100 रुपया, इसमें 50 रुपया हमारे लिए बादल के लिए और 50 रुपया बिजली के लिए। बादल और बिजली के लिए सुशल प्रदान करते हैं। किस बात पर अकेली है तो घर में आजा बाबा, ये घर माँ जो गई वे तो हमें ना खिलाइए। मोनू घोष जी के द्वारा ये 100 मुद्राएं, और भैया जी का कहना भी हुआ, माँ ऊंचे पर्वत पे माँ बैठी रतनगढ़ वाली, बहुत बहुत धन्यवाद।